नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 के मैच नंबर 39 में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आमना सामना हुआ। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को करारी हार झेलनी पड़ी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में मात्र 84 रन बनाए। आरसीबी ने 85 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया था। विराट ने शहबाज अहमद की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग 11 में जगह दी और उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। सिराज ने वो कर दिखाया जो इंडियन प्रीमियर लीग के 13 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। सिराज ने अपने पहले 3 ओवर में 2 मेडन ओवर फेंके। सिराज आईपीएल में लगातार 2 मेडन ओवर करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। दरअसल मोहम्मद सिराज ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने पहले ही ओवर में राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा को आउट कर लगातार 2 सफलताएं अपनी टीम को दिला दी। पहले ओवर में उन्होंने एक भी रन नहीं दिया। इसके बाद अपने दूसरे ओवर में सिराज ने टॉम बेंटन का शिकार किया। इस ओवर में एक रन लेग बाई के जरिए आया था, लेकिन यह रन गेंदबाज के खाते में नहीं जाता। ऐसे में इस ओवर को भी मेडन ओवर में गिना गया। इसी के साथ सिराज ने ऐसा इतिहास रच दिया जो आईपीएल में अभी तक कोई गेंदबाज नहीं रच सका था। आपको यहाँ ये बताते चले कि मोहम्मद सिराज ने ये मैजिकल परफॉर्मेंस यूं ही नहीं किया। सिराज के लिए ये सब रातों रात हासिल नहीं हुआ। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत और सबसे जरूरी अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेकर इतिहास रचा है। दरअसल इस मैच से पहले सिराज का इकोनॉमी 9.29 का था, जो आईपीएल इतिहास में 92 गेंदबाजों जिन्होंने कम से कम 100 ओवर गेंदबाजी की है उनमें सबसे खराब था। लेकिन कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखते हुए आप अपने नाम का डंका बजा सकते हैं, और वही काम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने कर दिखाया और रच दिया ऐसा इतिहास जो इस मैच से पहले दुनिया का कोई भी गेंदबाज आईपीएल में नहीं कर पाया था। सिराज के आईपीएल करियर का यह 30वां मैच था जिसमें उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोर ली। सिराज ने कुल 4 ओवर फेंकते हुए 2 की इकोनॉमी रेट से मात्र 8 रन खर्च किए, जिसमें 3 विकेट भी शामिल रहे। यह सिराज के करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। बात इस सीजन मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन की करें तो इस सीजन अभी तक सिराज ने 4 मैचों में 6 विकेट अपने नाम किए हैं। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 84 रन बनाए थे, जो उसका दूसरा न्यूनतम स्कोर है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तान ओयन मॉर्गन ने 30 रनों की जुझारू पारी खेली, तो वहीं बैंगलोर के लिए मोहम्मद सिराज ने 3, युजवेंद्र चहल ने 2, नवदीप सैनी और वॉशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट हासिल हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से 85 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने 13.3 ओवर में 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। बेंगलोर के लिए देवदत्त पडिक्कल ने सबसे ज्यादा 25 रनों की पारी खेली। इस जीत के साथ आरसीबी अब 14 अंकों के साथ दिल्ली कैपिटल्स के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केकेआर ने भी 10 मैच खेले हैं, लेकिन उसकी यह 5वीं हार है, वो 4थे स्थान पर बना हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।